Assalamu alaikum everyone. Well, this video is to inform you all that we are starting with Hayat COVID Center, and this project is called Hayat COVID Project because hum ek प्रॉपर डॉक्टर्स की जो टीम है और जो यू नो पूरा मैनेजमेंट एक हॉस्पिटल हमारा रन करेगा, हमने उनका एक्सटेंडेड पार्ट लिया है और हमने अपना पूरा टीम सेटअप किया है वहाँ पे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट दे पाए लोगों को। ये एक 50 बेड प्रोजेक्ट है जिसमें आईसीयू रूम्स हो गए, वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन है और बाईपैप है, और यू नो अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एक फैसिलिटी होती है कोविड पेशेंट के लिए हम वो करेंगे, बिकॉज ये हम ऑलमोस्ट ये हम 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इसके बारे में सोचा था, बट 1 महीने से स्पेशली रमजान के पहले से ये हमारी प्रायोरिटी बन गया है और ये आज का जो माहौल है उसे मद्देनजर रखते हुए आई थिंक इस प्रोजेक्ट की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। वी ऑल नो कि किस तरीके से बेड्स की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन के मसले है, और ये यहाँ पे भी है, ये जो सेंटर है ये यहाँ पे अंकलेश्वर में होगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो विद इन 2 to 3 weeks यू नो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नर्सेस की, डॉक्टर्स की, एमडीज की, एमबीबीएस की, सबकी की पूरी टीम रेडी है। वी हैव अमेजिंग डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड यू नो ओवरऑल मेडिकल टीम एंड मैनेजमेंट हु सो गुड, एंड वी आर होपिंग दैट वी कैन गिव आर बेस्ट एंड डू आर बेस्ट फॉर आर पीपल। एंड ऑब्वियसली दिस वीडियो इज जस्ट टू यू नो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल कि जिस तरीके से आपने हमेशा हमारी मदद करते हुए आए हैं यू नो फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 3 weeks, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज जितना हो सके यू नो इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, ये कोई चीप प्रोजेक्ट भी नहीं है, तो जितना हमें आप लोगों का ताउन मिलेगा हमारे लिए उतना बेहतरीन हो जाएगा। उसके अलावा भी हम अपने तरीके से पूरे तरीके से तैयार हो रहे हैं और हो गए हैं, और इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ जैसे हमने सोचा है वैसे हो जाएगा। और ये सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ ये 3 महीने का प्रोजेक्ट है, और अगर हमें अच्छी फंडिंग्स आती है, अच्छा डोनेशन आता है, आप लोगों का हेल्प हमें मिलता है, तो हम अल्लाह करे कि ये जो चीज़ है ये रुक जाए, बट अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं आती है तो हम इसे 3 महीने के बाद और एक्सटेंड करेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये 3 महीने का ही प्रोजेक्ट है। और हर चीज़ हम अपने तरफ से पूरा जांच पताल करके जितना हो सके उतना हम बेहतरीन से बेहतरीन देना चाहते हैं। अल्लाह करे कि हर किसी को यहाँ से भी शिफा मिले और वो अच्छे होकर अपने घर वापस जाए। तो बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप डोनेशंस देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसके अलावा अगर किसी को भी वेंटिलेटर्स है या ऑक्सीजन है, बाईपैप है, और कोई भी तरीके की मदद करना चाहते हैं तो आप प्लीज हयात को कांटेक्ट कीजिए, यू ऑल कैन डीएम अस एंड इंशाल्लाह विल ट्राई एंड रिप्लाई बैक। And yeah, that's it. So I just want to say that this is something that we've been very busy working on, and I really hope that it really goes well. And I am seeing the situation right now. जिस तरीके की situations है, जैसे हम सुनते हैं, देखते हैं, beds कम है, doctors की भी कहीं ना कहीं shortage है, और हमें doctors लाने में actually बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है, बहुत मुशक्कत का काम था ये, because हमारे सारे doctors और nurses अलग अलग different cities, different states, यहाँ वहाँ से हमने एक दो करके उस तरीके से arrange करके एक पूरी team setup की है। तो बस आप दुआ कीजिए सबसे important के ये जो हमारा सेटअप है अच्छे से हो जाए, और बस इसका एक ही नजरिया है, एक ही मिशन है, एक ही मोटो है, वो है इंसानियत की खिदमत, एंड इट इज ओपन फॉर ऑल। लाइक ये बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह करे कोई आए ही ना, बट इसके अलावा दिस इज फॉर एवरीवन। आई रियली होप कि हम जितना हमसे हो सकता है इंसानियत के लिए, लोगों के लिए जितना हम खिदमत कर सकें हम उतना करने की कोशिश करेंगे, हम दिलो जान लगा देंगे। हम अभी भी रमजान में वी ऑल आर सो बिजी, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे वी हैव मीटिंग्स विद सो मेनी डॉक्टर्स एंड द टीम टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज टू टॉक टू पीपल हु हैव इक्विपमेंट्स, कि इक्विपमेंट्स को हम कैसे सेट करें एंड एवरीथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, बट आई I am requesting you all from bottom of my heart के please
हमारा सपोर्ट करे। और एक इंसान की जान बचाना, कहते हैं ना कि अल्लाह एक इंसान की अगर आप जान बचाओ तो दुनिया और जहां से बेहतर है, यू नो, उसका आपने जैसे पूरी इंसानियत की जान बचाई है, उतना बड़ा सवाब है, उतना ही बड़ा सदका जारिया है। तो हम बस कोशिश करें कि हम जितना हो सकता अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत सारे लोग इतना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, जो अपने तरफ से कर सके, जो डोनेशन दे सकते हैं वो डोनेशन दीजिए, जो नहीं दे सकते प्लीज़ सबके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना दवा और दुआ दोनों की जरूरत है हमें। तो हम बस कोशिश करें कि हम सब हेल्दी रहे, फिट रहे, और बस हमारे इस प्रोजेक्ट में आप सब हमारा दिल खोल के साथ दीजिए। जज़ाकअल्लाह।